हम आने वाली 10 तारीख को बसवराज पाटिल कल्याण मंडप में, जो वीरभद्रेश्वर टेम्पल के करीब है, वहाँ पर सुबह 10 बजे हमारे तमाम नेता, हमारे लीडर श्रीमान राजशेखर पाटिल की अध्यक्षता में, हमारे दोनों MLC की प्रेजेंटेशन में, हम वहाँ पर एक मीटिंग, तमाम हमारे एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक मीटिंग बुलाए हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि उस मीटिंग में हाज़र होकर उस मीटिंग को कामयाब बनाएं। सुबह 10 बजे से सेशन शुरू होगा, करीब 3-4 बजे तक उसको बात कर एक दूसरे की राय, एक दूसरे के मशूरे से हम कहाँ कहाँ पर हम पीछे हो गए हैं, कहाँ कहाँ पर हमको और इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि हमारी जो आस थी कि हम जो इतना काम किए हैं, लोग उसको बराबर सराहेंगे और वो उसका मेहनताना हमको देंगे, मगर कुछ जगहों पर हमको जो है ना पीछे हो गए। हम जो है ना उसको फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको हम कैसा इम्प्रूवमेंट करना, क्योंकि अब हमारी सरकार है, हमारी सरकार रहने की वजह से हमको तमाम सहूलतें जो जो हम लोगों के हित में करना चाहिए, इंशाल्लाह और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नेता श्रीमान राजशेखर पाटिल के नेतृत्व में हम ये पूरे काम आने वाले दिनों में करेंगे। और हमारे साथ, हमारे नेता के साथ और 2 MLC भी उनके साथ हैं। हमें जो है ना, हमारी क़ुव्वत अब भी बढ़ी हुई है, हम लोगों के काम करने को अब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, बराबर हम लोगों के काम करते रहेंगे। और हमारे को गम है तो हमारे नेता, जिस वक्त हमारी सरकार आने वाली थी, आई, वो सरकार आए वक्त ही हमारे नेता को एक मामूली वोटों से शिकस्त हुई। वो शिकस्त को हम कबूल करते हुए हम जो है ना अपने अफसोस और हमारे मलाल के साथ, मैं जो है ना आने वाले दिनों में इसको दूर करेंगे और हम आने वाले दिनों में इससे अच्छी कार्यकर्तगी और अच्छी कार्यकर्ती कर हम काम, लोगों का काम करेंगे, लोगों के हित में हम काम करेंगे। और जैसा कि मैं अभी आपको कहा कि हमारे पूरे लीडर्स, कार्यकर्ता, ZP, ex-ZP मेंबर, TP मेंबर, पूरे काउंसलर्स, चुनावित प्रतिनिधि, PLD बैंक, TAPMS, APMC, आपके तमाम पंचायत के मेंबर्स, अध्यक्ष, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, तमाम से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो सुबह 10 बजे 10 तारीख को बसवराज पाटिल कल्याण मंडप में आकर इस जलसे को कामयाब बनाएं, इस मीटिंग को कामयाब बनाएं। मैं आपके माध्यम से तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें हाज़िर होकर तमाम लोग अपने अपने राय दें, हमारे नेता के और हाथ हम मजबूत करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। खुदा हाफ़िज़। नहीं, वो तो हम देख रहे ना, डिस्कस करने के लिए जहाँ बोले को धोखा हो गया, हम चिंतन मंत्र वहाँ फिर हम इम्प्रूव करना ना, क्या हम प्रॉब्लम हाँ। है लोगों को, हम क्या ये हो गए, वो डिस्कस करने के लिए वो मीटिंग बुलाए। फिर एक चीज ये है कि सर, मीटिंग होके रिजल्ट आया, इतने दिन में अब तक जो 75,000 वोट जो कांग्रेस दिए है सर, उसका अभी तक धन्यवाद तक नहीं बोले। करे ना, हम स्पीच में करे ना, बसवेश्वर चौक पे, और हमारे नेता जो है ना प्रेस में बोले, पूरा आया ना, आया लोगों को, हम कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम कहाँ तो हमारा चूक हुआ है, वो चूक को देखने के लिए, कहाँ हम मिस्टेक करें, उसके लिए हम 10 तारीख को चिंतन मंडल वर्कर का ये बुलाए। अभी आप सरकार है, क्या क्या वादे किए जो है वो, अभी क्या क्या वादे अमल में आए, बोले ना परसों फ्री नहीं हो गई, पैसे नहीं आ रहे, बोले ना परसों कैबिनेट होने के बाद आपकी इत्तला के लिए हमारे CM एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि जो है ना 12 जून से बस शुरू हो जाएंगी फ्री, ये तो इमीडिएट हो गया। और आपके 1 जुलाई से करंट का जो 10 महीने का एवरेज है, 200 यूनिट के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो निकाल कर वो भी फ्री कर देंगे। और 10 KG अन्य भाग के जो 10 KG चावल है वो भी July 1st से चालू करेंगे। 2,000 रुपये जो पर हेड हर उस फैमिली के महिला को जो है ना हेड ऑफ़ द फैमिली को देना है, उसका एक फॉर्मेट बना के एक एप्लीकेशन कॉल करें, उसमें से एक जो है ना आधार कार्ड, आपके बैंक अकाउंट और वोटर ID देना, और वो पूरे लेकर
15 अगस्त से पूरे उनके अकाउंटों में वो जमा करने का वादा किए हैं, और 3,000 रुपये और 1500 उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये पूरे वादे इंशाल्लाह ताला जो 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। साहब मेरे राजशेखर पाटिल कल आ रहे साहब, आपसे मीडिया से ये करने का है, आप लोग मीडिया के है, इतना फास्ट कौन सा था गवर्नमेंट अपने वादा पूरे किए क्या 2 महीने के अंदर कर रहे? यह 10 साल हो गए, 15 लाख का वादा अभी पूरा नहीं हुआ, 2 करोड़ का जॉब का पूरा नहीं हुआ, ऐसा दुनिया का सवाल है, लेकिन सिद्धरामैया गवर्नमेंट अभी टेक ऑफ में है फिर भी काम कर रहे, कब बोलो तो 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसा कैसा होता बोलो आप? ये क्या पारावटी है? पूरे कर्नाटक का बोले तो 70 से 80 हज़ार करोड़ का मामला है, ये चुप ऐसा नहीं होता। वो 15 अगस्त के अंदर ये पूरा क्लियर होता है आपकी मीडिया से, आप लोगों को बोलना पड़ता है।